रिवान आज हम पढ़ेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जी आई आई जेंडर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स इससे ही बहुत सारे इंडेक्स के बारे में सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो दैट ओके फर्स्ट एच डी आई इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट वॉज गिवेन बाय विच ऑफिशियल दैट इज़ यू एन डी पी यू एन डी पी के द्वारा ये दिया गया था एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये एक पैरामीटर्स होते हैं कि कौन सी चीज़ हम लेंगे जिसके द्वारा हम देख सकते हैं देश की कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है जो ह्यूमन्स जो है हमारे देश में जो लोग हैं उनकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है तो ये पैरामीटर्स है ठीक है उसको चेक करने के लिए तो उसका कॉम्पोनेंट क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान वो एवरेज कितने ईयर्स तक कितने साल तक जीता है ठीक है कितने साल तक जीवित रहता है देन uh, आता है एजुकेशन उसकी एजुकेशन क्या है देन हेल्थ ये सारे कॉम्पोनेंट है देन ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब uh, एक इंसान कितना यर्न करता है ठीक है एनुअली कितना यर्न करता है उसके हिसाब से टोटल एक कंट्री की उसका ग्रॉस किया जाता है ग्रॉस मीन्स टोटल ठीक है तो एच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके कॉम्पोनेंट है पहले तो यूएनडीपी ने दिया था यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी पैरामीटर्स होती है एजुकेशन हेल्थ एंड ग्रॉस नेशनल इनकम ठीक है आई होप मतलब ये इजी में थोड़ा समझ में आएगा इसीलिए ऐसे आपको मैं समझा रही हूँ ओके okay? तो नेक्स्ट इज़ जी डी आई जी डी आई इज़ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होती है दैट हेल्थ हेल्थ आती है देन एजुकेशन आती है देन इकोनॉमिक स्टैटस टू डिटर्मिन हाउ वीमेन आर डूइंग कम्पेयर टू मैन मतलब जेंडर के बारे में बोला गया है इसके मतलब मेल और फीमेल के बारे में बताया गया है राइट right? तो मेल और फीमेल जो होती है उन मतलब फीमेल कितने आगे बढ़ रही हैं इन कंपैरिजन टू मेल ठीक है हाउ वुमेन आर डूइंग कंपेयर टू मेन इकोनॉमिक स्टेटस उनकी क्या है और हेल्थ हो गई है एक पैरामीटर एजुकेशन हो गई और इकोनॉमिक स्टेटस तो इसीलिए जेंडर की डेवलपमेंट कितनी हो रही है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मेन ही सारा मैन uh, ही आगे जाएंगे या फिर स्पेसिफिक वुमेन ही आगे जाएंगे इसका मतलब ये कह रहा है बोथ मेल भी जाएंगे फीमेल भी जाएंगे लेकिन इनके इन दोनों के कंपेरिजन में कौन ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है उसको देखने के लिए ये भी पैरामीटर्स ही होते हैं देन इसको क्या बोला जाता है दैट मेथड टू मेजर जेंडर इक्वालिटी इंट्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो जेंडर डेवलपमेंट है ये एक मेजर होती है मतलब ये भी एक इसमें भी मेजर किया जाता है व्हाट क्या मेजर किया जाता है जो कि होती है हमारी जेंडर इक्वालिटी ठीक है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 1995 में ओके इसको भी एक रिपोर्ट मिला था कि एक एक ऐसा इंडेक्स लाओ जिसमें हम क्या कर सकते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि वुमेन कितनी इम्प्रूव कर रही हैं देश में ठीक है तो ये सारी हो गई हमारी कंपोनेंट और ये जो मैंने कहा ना एच डी आई में पहले जो रैंक में है रैंक वन रैंक वन में है हमारी नॉर्वे ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू टू रिपोर्ट 2020 में जो रिपोर्ट आया था इसके अनुसार नॉर्वे पहले में है रैंक वन में नेक्स्ट इज़ हमारी हो गई इम्प्रूव जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स तो जेंडर इंप्रूवमेंट इंडेक्स क्या कहती है दैट उसके पैरामीटर्स है हेल्थ एम्पावरमेंट लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन जेंडर इम्प्रूवमेंट एक होती है डेवलपमेंट एक होती है इम्प्रूवमेंट ओके okay? तो अभी हम इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जेंडर इम्प्रूवमेंट महिला और पुरुष में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है फीमेल्स कितने इंप्रूव कर रहे हैं सो so, हेल्थ उसकी पैरामीटर्स होती है एम्पावरमेंट ये हेल्थ और एम्पावरमेंट दोनों को ही देखते हैं सिर्फ फीमेल्स को नहीं देखते हैं दोनों को ही मेल फीमेल्स थर्ड जेंडर सारे को देखते हैं देन लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन दैट मीन्स कि महिला और पुरुष कितने काम कर रहे हैं मतलब कितने अच्छे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पे ना मार्केट पे है ना तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं दैट जेंडर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स और इसका ये सारा ये तीन हो गई पैरामीटर्स ओके सो नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका जो है थ्री हेल्थ होती है एजुकेशन होती है एंड लिविंग स्टैंडर्ड एक होती है हेल्थ देखो हेल्थ कॉमन है सारे में हेल्थ कॉमन है पॉवर्टी इंडेक्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक होती है हेल्थ देन एजुकेशन देन लिविंग स्टैंडर्ड हेल्थ में क्या आती है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट ठीक है चाइल्ड मोटिलिटी रेट आती है और न्यूट्रिशन बच्चों का न्यूट्रिशन देखा जाता है और चाइल्ड मोटिलिटी रेट मतलब छोटे बच्चे किस एज में उनकी मतलब हेल्थ ख़राब होती है या फिर किस एज में उनको कुपोषण होती है वो देखते हैं देन एनरोलमेंट एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एजुकेशन मीन्स कितनी हमारी एनरोलमेंट हो रही है स्कूल्स uh, में और बच्चे जो है कितने साल तक पढ़ाई कर रहे हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के बारे में एजुकेशन बताता है देन लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स ये तो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई वाटर सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड कुकिंग फूल जो है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं ये सारा हो गया हमारा एक पैरामीटर्स uh, ओके okay? तो ये हो गई हेल्थ हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड आई होप ये ये सारा आपको समझ में आया होगा मैं जितनी शॉर्ट्स में ही आपको बता मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये सब आपको याद रहे जो जैसे कि आपने देखा डैट हेल्थ आती है यहाँ पे, यहाँ पे भी हेल्थ आती है और यहाँ पे भी हेल्थ आती है यहाँ पे भी मतलब हेल्थ जो है ये सारे में है ठीक है हेल्थ कॉमन है एजुकेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बोल रहा है जेंडर इंप्रूवमेंट लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट की बात करता है जेंडर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट इकोनॉमिक स्टेटस की बात करता है एक ये सारे की होते हैं ठीक है एच जो है वो नेशनल इनकम हेल्थ एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सारी की बात करता है आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लगा होगा और मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें पॉवर्टी के बारे में जो स्क्वायर पॉवर्टी इंडेक्स क्या है और है ना स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या है uh, ये सारे सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स क्या है इसका मैं एक कंप्लीट सोल्यूशन शॉर्ट्स वाला uh, लेके आपको बताऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी ओके देन थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट रियली ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस